बघेल कुछ कह रहे हैं। आम चुनाव के पहले का चुनाव अपने आप में महत्वपूर्ण, और उस चुनाव में यशोदा वर्मा जी चुनाव जीत के आई, 20,000 वोटों से जीती। खैरागढ़ में अभी तक के कोई प्रत्याशी 20,000 से नहीं जीता था, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। बहुत बहुत बधाई, शुभकामना यशोदा जी को, और खैरागढ़ के सभी मतदाताओं को बधाई, कार्यकर्ताओं को, पार्टी पदाधिकारी, विधायकों को, मंत्रियों को, सबको बधाई जिन्होंने वहाँ चुनाव में भाग लिया और यशोदा वर्मा को जीत दिलाने में उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। उन सबको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन सबने सहयोग किया, सबके प्रति आभार। भूपेश भैया, 3 तारीख को अक्षय तृतीया के दिन माटी महोत्सव। देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में अलग अलग अंचलों में माटी त्यौहार, माटी की पूजा करने की परंपरा है। बस्तर में नवरात्रि, चैत्र में चैत्र नवरात्रि के समय से ही वहाँ माटी की पूजा की जाती है। इधर मैदानी हिस्से में भी अक्षय तृतीया के दिन दोना में बीज लेके, अगरबत्ती, नारियल, मिठाई सब लेके खेत जाते हैं, वहाँ भूमि की पूजा की जाती है, और उस दिन फिर नया साल किसी तारीख के लिए उसकी शुरुआत होती है। भारतीय जनता पार्टी को आंतरिक मामला है, इस मामले में मुझे जानकारी नहीं है वो किस लिए बुलाया गया, क्या उसकी है, लेकिन शुरू से ही यदि पुरंदेश्वरी जी की बात को यदि ध्यान रखें तो यहाँ के प्रदेश नेतृत्व पे लगातार वो असंतोष व्यक्त करती रही है, और वो अलग अलग बयानों में वो परिलक्षित भी हुआ है कि यहाँ के प्रदेश नेतृत्व पे उनका विश्वास नहीं है, और वो विश्वास खो चुके हैं जनता का भी और पार्टी के आला कमान। सर, अब आपके 71 विधायक हो चुके हैं, 2023 के लिए क्या मिशन रखना चाहेंगे, क्या जैसे दबाव भी बढ़ जाएगा? देखिए, ये तो एक रिकॉर्ड है, आज तक के छत्तीसगढ़ में कभी किसी दल का 71 विधायक नहीं हुआ, दल बदल के बाद भी नहीं हुआ था। अब तो ये सीधा सीधा आम जनता से चुन के आए हुए हमारे विधायक 71 है, वो अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, 71 सीट जीत पाना, लेकिन वो लक्ष्य तो है। जब हमने एक बार लक्ष्य हासिल कर लिया तो 2023 में भी वो लक्ष्य लेके हम लोग चलेंगे। सर, भाजपा के नेता सर फिर से मांग कर रहे हैं कि राज्य में जो आपको डीजल में वैट टैक्स है वो हटाना चाहिए, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा। कल प्रधानमंत्री जी कोरोना की बैठक और की थी, और जिन राज्यों में कोरोना बढ़ रहे हैं, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मिजोरम, कर्नाटक, उनके मुख्यमंत्री को बोलने का अवसर भी दिया। बचत हम लोग तो साइलेंट मोड में थे, लिसनिंग मोड में थे, तो लिसनिंग मोड में होने के बाद उसके बाद अचानक प्रधानमंत्री जी पेट्रोल डीजल के बारे में बात करने लगे। पेट्रोल डीजल की स्थिति क्या है? सबसे पहली बात यह है कि पेट्रोल डीजल में वेट राज्य लगाते हैं, सेंट्रल एक्साइज सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, उसके बाद पिछले 2 साल से सेस लगा लिया है। सेंट्रल एक्साइज में तो 42% राज्यों को मिलता है, लेकिन सेस की जो राशि है वो सीधा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है, राज्य सरकारों को नहीं मिलता। तो ये थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो मीडिया से